अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबर रिज़वान। आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है वॉफ़ल्स की, और आपको पता ही है कि वॉफ़ल्स जो हैं वो बच्चों के, बड़ों के बहुत फेवरेट होते हैं, और हम अक्सर जो है वो बाहर से परचेज़ करके खा रहे होते हैं, जो कि एक्सपेंसिव भी होते हैं और इतनी क्वान्टिटी में आपको मिलते भी नहीं हैं। तो मैं आपको घर पर वॉफ़ल मशीन में वॉफ़ल्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसानी से बन जाते हैं, और इसकी मैं ये भी दिखाऊंगी कि प्रेजेंटेशन कैसे करती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत आसान भी लगेगी और मज़ा भी आएगा इसको बनाने में भी, डेकोरेट करने में भी और खाने में भी। तो मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो इंग्रीडियंट्स में मेरे पास है मेल्टेड मक्खन 2 खाने के चम्मच, दूध 1.5 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई घर की चीनी 4 खाने के चम्मच, मैदा 2 कप, 2 अंडे 1/4 चाय का चम्मच, नमक और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। तो अब मैं बैटर बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले तो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक जगह करके मिक्स कर लूँगी। अब इस मिक्सचर में अंडे, वेनिला एसेंस, मेल्टेड मक्खन और दूध थोड़ा थोड़ा डाल के एक स्मूथ सा बैटर बना लें। पहले मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, फिर जो बाकी है वो बाद में डालूंगी, और इस तरीके से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और एक स्मूथ सा बैटर बना लें। कोई लम्स ना रह जाए इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप अभी चेक कर लीजिएगा। वॉफ़ल्स की जो कंसिस्टेंसी होती है बैटर की, वो थोड़ी सी रनी होती है, और पैनकेक्स का जो बैटर बनता है वो थोड़ा सा थिक बनता है। तो कंसिस्टेंसी आप देख लें, और अब मैं वॉफ़ल्स बना रही हूँ। अच्छे तरीके से वॉफ़ल मशीन में जो वॉफ़ल्स की प्लेट्स हैं उनके ऊपर ऑयल स्प्रे कर लें, ऑयल लगा दें, और अब मैं इसके ऊपर बैटर डालूँगी और फिर वॉफ़ल्स जो हैं वो बना लूँगी। याद रहे कि वॉफ़ल मशीन को ओवरफिल नहीं करना, क्योंकि वॉफ़ल्स जो हैं वो राइज भी होते हैं और फिर ये फ्लो होके बाहर आ जाएगा बैटर, अगर आपने बहुत ज़्यादा भर दिया तो। तो बहुत अच्छे वॉफ़ल्स जो हैं वो बन रहे हैं इस तरीके से। अब मैं इनको निकाल लूँगी और जो बाकी बैटर है उनसे वॉफ़ल्स इसी तरीके से बना लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से इनको डेकोरेट कर रही हूँ और प्रेजेंट करती हूँ। तो वॉफ़ल के ऊपर सबसे पहले तो मैं चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ। चॉकलेट सॉस की रेसिपी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, और इसी के साथ मैं कैरमल सॉस भी डालूँगी। और एक सॉस मैंने बनाई है कंडेंस्ड मिल्क में, मैंने ग्रीन फूड कलर डाल दिया है, तो वो एक अलग सॉस मैं डालूँगी। तो इसी तरीके से चॉकलेट सॉस के ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, और आप जैसे चाहें इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम भी मैं इसके ऊपर डालूंगी और इस तरीके से डेकोरेट कर लूंगी। कैसे कर रही हूँ वो आप देखें और एंजॉय करें प्रोसेस को। तो अब इसके ऊपर मैं ड्राइड रोज़ पेटल्स डालूंगी, जो कि एडिबल रोज़ पेटल्स होते हैं, और इस तरीके से मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूंगी। इसमें मैं कैरमल सॉस डालूंगी और फिर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी, स्प्रिंकल्स ऐड करूंगी और सर्व करूंगी।
कैरमल सॉस की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप चॉकलेट सॉस, कैरमल सॉस बनाएं और फिर यूज़ करें तो आप देखें कि कितनी आसान ये रेसिपी है। और घर पे आप जितने वॉफल्स चाहें आप बना सकते हैं, अगर आपको और बनाने हैं तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा जब आप घर पे वॉफल्स बनाना शुरू करेंगे, बिकॉज़ आप कभी भी बना सकते हैं, जितने चाहे बना सकते हैं, और घर पे सब मिलके बनाने को भी और खाने को भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत से लोग इनको गरम गरम इंजॉय करना खाना पसंद करते हैं, और आप चाहें तो न्यूटेला भी डाल सकते हैं और लोटस स्प्रेड भी लगा सकते हैं। सो एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू वॉन्ट, यू कैन डू दैट एंड इन्जॉय दीज वॉफल्स। तो आई होप आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगी। डू ट्राई दिस और फिर मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेक श्योर कि आप ये अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मौका मिल सके नई रेसिपीज़ का और आइडियाज़ ट्राई करने का। और फेसबुक का पेज और जो इंस्टा पेज है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।